इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज राजस्थान के अंदर प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि हमें पूरी तरह से भरोसा है और जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज के लिए कारण से थोड़ा कम रही, गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट है भारतीय जनता पार्टी, इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह से हमने फीडबैक लिया है, सभी जगह से हमने पूछा है, तो जनता का उत्साह और उमंग और जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम ये 12 सीट भी जीतेंगे और आगे वाली 13 सीट भी जीतेंगे। राजस्थान में 25 के 25 सीट जीतेंगे। पुणे में राजस्थान की जनता को शांतिपूर्ण मतदान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रशासन ने भी ठीक प्रकार से व्यवस्था की, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगले चरण में भी मतदान ठीक प्रकार से हो, सभी मतदाता मतदान करें, ऐसी अपील भी मैं उनसे करता हूं। विरोधी परिवार के कम मतदान हुआ है तो बीजेपी की हार हुई है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मतदान सभी का कम होता है, सभी का कम हुआ है, उसके कारण कई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मतदाता मतदान करके ही जलपान करता है, पूरा मतदान उन्होंने किया है और हमें विश्वास है। आज रोड शो में अमित शाह भी थे आपके साथ, वो जो कह रहे थे कि मतदान कम है इसको, लेकिन मोदी जी को 400 आंकड़े पार कराना है, इसलिए अगली बार जो बटन है आवाज तेज दबानी है ताकि मजबूत हो। निश्चित, देखिए, ये तो मैंने 2 दिन पहले भी अपील की, मतदान का अधिकार है, सभी मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, लोकतंत्र का महापर्व है, इसको सभी को मतदान करना चाहिए। जो अब रीजन आ रहा है, जो 26 तारीख को जिसमें वोटिंग होनी है, जिसमें भी कैंपेन, ये भी बीजेपी का ही गढ़ है और वो भी बीजेपी का ही गढ़ है, राजस्थान बीजेपी का गढ़ है, 25 की 25 सीट आएंगे, पूर्ण रूप से आएंगे।